नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। आज मैं आपको लेकर चलूंगा मध्य प्रदेश के इकलौते वन अनुसंधान केंद्र में। यहाँ पर आम और अमरूद जैसी वैरायटियों की यहाँ पर लगातार अनुसंधान होता है, उनके बारे में नई नई रिपोर्टें बनाई जाती हैं, नई नई वैरायटियों का इजाद किया जाता है। मैं आपको बताऊं, एजी कॉलेज रीवा के सौजन्य से इस नर्सरी को बनाया गया है। यहाँ पर आम की 123 वैरायटियाँ मौजूद हैं। मेरे हाथ में आप दो आम देख रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊं, जो आम आप अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लखनऊ का सबसे फेमस आम कहते हैं। नाम तो आपके समझ में आ ही गया होगा, दशहरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आम को जो आपको आम दिखाने जा रहा हूँ, इस आम की एक खासियत है, ये आम नीचे से पकता है। आज के दौर में सबसे चर्चित नाम है लॉकडाउन। जी हाँ, इस आम की खासियत, ये आम नीचे से पकता है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी आम की थी, हापुस सुंदरजा, ये दो नाम तो आपने सुने थे। तीसरा नाम अब इस आम की पहचान कही जाएगी लॉकडाउन के दौर में। लेकिन पूरी दुनिया में ये आम इस साल नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस नाम के अनुरूप अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। मैं आपको सीधे लॉकडाउन के बगीचे में ले चलूँगा और वहाँ पर मौजूद इस के एक्सपर्ट जलेश जी से इस आम की खासियत के बारे में बातचीत करूंगा। तो आइए, आपको लेकर सीधे चलता हूं जलेश जी के पास और जानने समझने की कोशिश करता हूं लॉकडाउन है क्या। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के एजी कॉलेज के आम की बगिया में। मैं आपको बता दूं, इस बगिया में 123 प्रकार के आम के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ की सबसे फेमस नस्ल सुंदरजा, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ में इजाद की गई थी। सुंदरजा एक ऐसा आम जिसमें रेशे नहीं होते, उसकी अद्भुत मिठास लोगों को अपनी ओर खींचती है। लॉकडाउन का दौर है, सुंदरजा इस बार विदेश की धरती पर नहीं जाएगा। ये जानने समझने के लिए हम आ गए आम के बगीचे में, लेकिन यहाँ आकर हमको ये पता चला, यहाँ पर एक ऐसा आम है जिसका इस बार नामकरण कर दिया गया है आज के दौर के अनुसार लॉकडाउन। हमारे साथ जलेश जी मौजूद हैं। जलेश जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कवि तो बहुत शानदार हैं ही, साथ ही आम अमरूद जैसे पेड़ों के सबसे बड़े जानकार हैं, अगर रीवा शहर की बात की जाए तो। हम इन्हीं से जानते हैं इस समय वर्तमान में इस बगिया की क्या स्थिति है, कितने तरीके के यहाँ पेड़ हैं, और हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, ये जो आम अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस आम की खासियत क्या है। जलेश जी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए इस सबसे पहले तो इस बगिया के बारे में, फिर इस पेड़ के बारे में जिसके नीचे हम लोग मौजूद हैं। धन्यवाद जावेद भाई। ये कुठुलिया फार्म अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश में पहला, जिसमें कि 123 प्रकार के आम लगे हुए हैं, और ये 1973-74 के बीच में लगाया गया था। और इसी आम को बगीचे में बाहर के साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब चारों दिशाओं भारत के पूरे पूरे आम इसमें लगे हुए हैं। और जो विशेषता है सुंदरजा गोविंदगढ़ का है, तो वहाँ से फैला इसका यहाँ भी हो गया। और सुंदरजा का एक विकल्प नया नाम था जरदालू। जरदालू बिल्कुल सुंदरजा का बिल्कुल कार्बन कॉपी टाइप का है, उसमें केवल रेशे का अंतर है, बेल की खुशबू सुंदरजा में है, और इसमें हल्का गुलाबीपन गूदा नहीं मिलेगा, पीला मिलेगा। तो ये आम जरदालू को ही अभी शासन ने एक दो हफ्ते किया है लॉकडाउन। मैं बात करूंगा आपसे निश्चित रूप से उसके बारे में भी, कि जरदालू का नाम नया नाम क्या रखा गया है, इसके बारे में भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। जरा पहले हमारे दर्शकों को ये अच्छे से समझाइए, जरदालू और सुंदरजा में क्या अंतर है। जरदालू आम को अगर एक महीने रख सकते हैं सुंदरजा को, तो इसको 20 दिन रखा जा सकता है और ये मलिन नहीं होगा। छिलके की परत मोटी होती है, गुलाबी जाली इसमें नहीं होती है, लेकिन पीलापन लिए रहता है। और ये आम स्वादिष्ट, इसमें शक्कर की प्रतिशत 18.5% होती है, जबकि सुंदरजा में 5% होती है। शुगर फ्री आम सुंदरजा है, लेकिन इसमें शुगर फ्री नहीं, इसमें 18 लंगड़ा के बराबर, ये बराबर सुंदरजा जहाँ शुगर फ्री आम है, ये एक नई बात
हमारे दर्शकों को भी पता चलेगी। वहीं जर्दालू में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के दौर में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस समय परेशान है, लॉकडाउन की स्थिति है, हम आम की बगिया में खड़े हैं और लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम आज आपको बताएंगे यहाँ पर लॉकडाउन का मतलब क्या है, बताइए। लॉकडाउन, ये आम को पूरे देश में लॉकडाउन किया गया स्वेच्छा से मोदी जी द्वारा, और उसके साथ साथ इस जर्दालू आम का नामकरण लॉकडाउन के रूप में किया गया है 10-15 दिन पहले। और इसी आम को ये विदेश भी जाता था, सौंदर्य के बाद ये पहला दूसरा आम है जो विदेश जाता था, केसर हापुस तो ये फेमस तो है ही है, लेकिन अपने विंध्य प्रदेश में ये जर्दालू बहुत ही बढ़िया आम था और इसी का नामकरण किया गया है जर्दालू के रूप में। ये जर्दालू ही लॉकडाउन है। जर्दालू अब तो नाम लेना बेकार है, लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन एक ऐसा आम है जिसको जर्दालू कहा जाता था। जर्दालू कितनी पुरानी वैरायटी थी, अब इसको क्या ये माना जाए लॉकडाउन, अब ये 2020 में लॉकडाउन इसको बोला जाएगा? जी नया नाम तो इसका जो कर दिया गया शासन की तरफ से तो उसी नाम से जाना जाएगा, लेकिन पुराने जो जानकार हैं वो जर्दालू ही कहेंगे। दर्शकों, ये एक नई जानकारी, सुंदरजा शुगर फ्री आम, लेकिन जर्दालू में शक्कर की मात्रा लगभग 18.5%, 18.5% शक्कर की मात्रा, इसका मतलब इसमें मिठास बहुत ज़्यादा। साथ ही मैं आपको बता दूं, सुंदरजा के बाद अगर विदेश में किसी आम की सबसे ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी तो वह था जर्दालू, जिसे आज की तारीख में लॉकडाउन कहा जाएगा। अब इस साल तो वे माना जा सकता है लॉकडाउन का दौर जरूर है, लॉकडाउन आम इस बार विदेश में नहीं जा पाएगा, हिंदुस्तान के लोग ही, खासकर रीवा ज़िले के लोग ही लॉकडाउन में इस आम को खाएंगे। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।